जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा है ही नहीं दिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ दिनों का आरंभ हो गया है, समझ लेते हैं पांच स्वास्तिक वाला उपाय कि आपको करना कैसे है, कब करना है। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें। दोस्तों, माता रानी की कृपा पाने के लिए यह 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष भी है। यह पांच स्वास्तिक वाला उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, जब आपको समय मिले उस दिन आप यह कार्य कर सकते हैं, चाहे वह पंचमी हो, चतुर्थी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, सोमवार, शुक्रवार, किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आप नवरात्रि में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घट स्थापना भी नहीं की है या विधिवत माता रानी की पूजा भी नहीं की है, तो भी कुछ विशेष उपायों से भी आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपने कोई पूजा अर्चना नहीं की है और यदि आपने यह पांच स्वास्तिक वाला उपाय कर लिया है तो माता रानी का आगमन जरूर होगा और वह प्रसन्न भी होंगी। चलिए अब जानते हैं आपको करना क्या है। आपको यह उपाय रात्रि में करना है, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि के समय, आप 8 बजे के बाद यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चांदी की कटोरी लेना है और यदि आपके यहाँ चांदी की कटोरी नहीं है तो आप स्टील की कटोरी ले लें, उसके अंदर आप चांदी का सिक्का रख लें। और यदि आपके यहाँ चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आपके पास जो भी चांदी की वस्तु हो, अंगूठी वगैरह, उसे आप अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें, फिर उसे कटोरी में रख लें। फिर कटोरी के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है और उसमें गाय का घी डाल लेना है। केवल केवल आपको गाय का घी ही डालना है। दोस्तों, यदि आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप जल या गंगा जल भी उस हल्दी में डाल सकते हैं, उसे डाल लें। फिर आपको एक दीपक जलाना है, वह दीपक घी का ही जलाना है और लंबी बाती का ही जलाना है, क्योंकि माता रानी देवी वगैरह को लंबी बाती का ही दिया लगता है। और उसे और उस दिए में एक चुटकी हल्दी भी डाल लेना है। अब आपको यह दीपक कहाँ जलाना है, आपको यह दीपक आपके घर में जो भी माता रानी की फोटो, मूर्ति वगैरह हो, उनके सामने यह दीपक प्रज्वलित करना है और माता रानी की फोटो पर थोड़ा सा लाल कुमकुम और चावल से टीका कर देना है। अब आपके पास जो हल्दी वाली कटोरी है उसे लेकर आप अपने घर के मेन गेट के पास आ जाएं और अपने घर का दरवाजा खोल दें। अब जो आपका गेट है उसके आजू बाजू आपको हल्दी से 2 स्वास्तिक बनाना है। आपको अपने हाथों की अनामिका उंगली का ही उपयोग करना है। अनामिका उंगली की सहायता से आप गेट के आजू बाजू 2 स्वास्तिक बना दें और आपको एक मंत्र का जाप भी करना है। ओम हेम क्लीम चामुंडाय बिच्छय, आपको स्क्रीन पर यह मंत्र दिखाई दे जाएगा, आपको इसका उच्चारण करना है। आप इसका उच्चारण 11 बार भी कर सकते हैं और 2 स्वास्तिक का निर्माण कर लें। अब आपको तीसरा स्वास्तिक कहाँ बनाना है, आपको चले जाना है अपनी किचन में, जहाँ आप खाना बनाते हैं अपने रसोई घर में, वहाँ आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। यह स्वास्तिक आप जहाँ पानी भर कर रखते हैं वहाँ भी बना सकते हैं या जहाँ आपको किचन में बनाना है वहाँ आप बना सकते हैं। इससे माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होंगी और यह स्वास्तिक आपको माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करके ही बनाना है। चौथा स्वास्तिक आपको पूजा स्थल, जहां आप अपने घर में पूजा करते हैं, भगवान का मंदिर है, जहां आपको जगह मिले उस स्थान पर आपको चौथा स्वास्तिक बना लेना है। और पांचवा स्वास्तिक आपको वहां बनाना है जहां आप अपना धन रखते हैं, सोना चांदी वगैरह रखते हैं, जैसे तिजोरी, अलमारी, कहीं भी आप पांचवा स्वास्तिक बना दें।
दोस्तों ये पांच स्वास्तिक कटोरी में रखी हुई हल्दी से ही बनाना है और रात्रि में ही बनाना है। फिर जो आपने दीपक माता रानी के सामने जलाया था उसे उठाकर इन पांचों स्वास्तिक की आरती कर लेना है, फिर वापस वह दिया माता रानी के पास रख देना है। सारी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएंगी और माता रानी का आगमन होगा, आपके घर में धन वैभव आदि बढ़ेगा। बस इतना सा छोटा सा उपाय करना है और यह उपाय आपको केवल नवरात्रि में ही करना है। हम आशा करते हैं आपको उपाय समझ आ गया होगा। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।